Now question number 10th is an umbrella has 8 trips which are equally spaced. Assume umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. आपको रेडियस गिवन है आर की वैल्यू कितना 45 सेंटीमीटर ओके. फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला है ना. अम्ब्रेला का डायग्राम गिवन है और ये आपके सर्कल के शेप में कितने 8 पार्ट्स में ब्रेक हो गई है ओके. इसको जो फाइंड किया है ना वो कैसे फाइंड किया है, ये आपका 1 2 ये 8 शेप और इसको ज्वाइन किया है 3 4 5 6 7 8 और ये 8 इक्वल पार्ट्स है ओके. तो ये क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है इच पार्ट. तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, आर की वैल्यू गिवन है बट थीटा गिवन नहीं है. तो थीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं कितने, देखो टोटल सम कितना होता है सर्कल का 360 और ये पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 को इससे डिवाइड कर दो. सो रिमेनिंग पोर्शन इज व्हाट 8 4 जा 32 4 रिमेनिंग 40 सो 5 जा सो हियर थीटा इज 45 डिग्री इज दैट क्लियर. सो नाउ व्हाट क्वेश्चन, फाइंड एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला इज इक्वल्स टू व्हाट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री ओके. बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर. सो यार पाई की वैल्यू आपको सिंपल नहीं गिवन है तो आप क्या पुट करेंगे 22 अपॉन 7 एंड आर इज व्हाट 45 सो 45 इनटू 45 एंड थीटा इज आल्सो 45 ओके अपॉन 360. सो इसको सिंपली कैलकुलेट करना है आपको. सो इट्स बिकम व्हाट 45 से इसको कैंसिल करो 9 की टेबल से तो 9 5 जा एंड 9 4 जा सो 40 5 1 जा 5 5 8 जा ओके. सो अगेन 8 से कितना 4 और ये 11 हो गया. सो रिमेनिंग इज 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 28 इज दैट क्लियर. सो फर्स्ट आप 45 इंटू 45 करो ओके. सो 45 5 जा सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना आपको 45 इंटू 45 सो 25 5 2 ओके. सो 20 इंटू 22 और 4 टाइम करेंगे तो 0 28 means 2 remaining 16 to 18. So 5202. And इसको अगेन आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है ओके अपॉन 28. सो अपॉन में तो 28 एज इट इज है 11 5 जा 55 5 रिमेनिंग 11 2 जा 22 एंड 5 27 ओके. सो 27 इज एज इट इज 11 2 जा 22. सो 22,027 275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. सो 11 इज व्हाट, ए कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप. ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वेपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन इन ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड. सपोज आपके पास वाइपर होते हैं ना कार के जस्ट सिंपल ये जो वाइपर है ओके. वन इज दिस एंड अनदर वन इज दोनों कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं 115 डिग्री का और जो इसकी रेडियस है वो भी आपको गिवन है कितना 25. ये वन वाइपर है आपका और ये अनदर तो इसका भी कितना है 25. तो ये जो एरिया इतना क्लीन करेंगे ना दोनों तो आपको ये और ये एरिया टोटल एरिया कितना क्लीन करेंगे फाइंड करना है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्टर, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ सेक्टर एंड रेडियस इज सेम एंड एंगल इज ऑल्सो सेम. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. सो टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वेप ऑफ टू ब्लेड्स इक्वल व्हाट, टू है ना तो टू से मल्टीप्लाई करो और आपका एरिया ऑफ सेक्टर इज दैट क्लियर. सो हियर टू इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22 अपॉन 7 एंड रेडियस इज 25 इंटू 25 एंड हियर थीटा इज 115 अपॉन 360 ओके. अब आपको इसको सिंपली सिंप्लीफाई करना है ओके. सो 2 1 2 ये 180 बिकम हो गया. अगर इसको 5 की टेबल से आप कैंसल आउट करते हो तो 5 5 जाओ ये करते हैं सो 5 2 10 1 रिमेनिंग इट बिकम 15 सो 3 टाइम. इसको 5 की टेबल से 5 3 15 3 रिमेनिंग सो 36 ओके.
नाउ ये 2 की टेबल से 11 और ये 18, ओके, और अनदर कुछ आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, सो रिमेनिंग इज 11 इंटू 25 इंटू 25, 625 इंटू 23 अपॉन 7 इंटू 18, ओके, इतना रिमेनिंग हो रहा है, सो सिंपली इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, सो 11 इंटू 625 इंटू 23, ओके, सो सिंपली इट्स बिकम 11 इंटू 625 इंटू 23, सो इट बिकम 158125 अपॉन वॉट दिस इज योअर 7 इंटू 18, सो इट बिकम 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया क्लीन बाय दिस टू वाइपर्स, सो इज दैट क्लियर, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज वॉट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन है, द वार्न शीप ऑफ अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्पीड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू द डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शीप आर वॉर्न, ओके, सपोज आपके पास देखिए ये कोई रिवर है और इसके ऊपर यहाँ पे लाइट हाउस है, इट मीन्स यहाँ से कोई एक लाइट ड्रॉ हो रही है, ओके, तो ये जो लाइट हाउस है ये जो एंगल फॉर्म है ना ये इतने एंगल को क्या करेगी, सीन कर पाएगी ना, जितना भी इसका डिस्टेंस होगा सपोज इतने एंगल को ये क्या करेंगी सी, तो एंगल गिवन है आपको कितना है 80 डिग्री, दिस एंगल इज 80 डिग्री और ये डिस्टेंस कितनी को फाइंड कर सकती है 16.5 किलोमीटर, इज दैट क्लियर, सो दिस इज इट्स डिस्टेंस इज 16.5, तो आपको ये फाइंड करना है, वॉट फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शीप आर वॉन, सो एरिया फाइंड करना है, ओके, सिंपल, सो दिस इज योर एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, सो हियर वैल्यू ऑफ पाई आपको 3.15 पुट करना है 14, एंड रेडियस इज 16.5 इंटू 16.5 एंड थीटा इज 80 डिग्री अपॉन 360, सो 10 से 10 कैंसल आउट है, और जब आप इसको सिंपली सोल्व आउट करोगे, ओके, इस रिमेनिंग इज इसको सिंपल सोल्व आउट करोगे तो 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 8, सो इट बिकम 6838.92 डिवाइड बाय 36, ओके, सो डिवाइड बाय 36 वी गेट 189.97 व्हाट किलोमीटर स्क्वायर इज द एरिया इट कवर्ड, इज दैट क्लियर, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12.